नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोगों ने 15 दिन तक अपने पितरों को पूजा अर्चना श्रद्धांजलि समर्पित किए। 6 अक्टूबर 2021 यानी आज जो है पितरों को हम विदा कर रहे हैं और हम अभिनंदन कर रहे हैं। हम सबको अपने पितरों से आशीर्वाद लिए वहीं पर 15 दिन तक हम सभी लोग आज उन्हें सलूट अभिनंदन करते हैं। भारत के प्रत्येक घरों में या पितरों को मनाया जाता है। अब अपने अपने पूर्वजों को मनाने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आज सभी लोग जो है आज अपने पितरों को जो है बाय बाय कर रहे हैं। वहीं पर अब नवरात्र का समय अब चालू होने वाला है। पहला नवरात्र 7 अक्टूबर 2021 यानी कल से चालू हो जाएगा। अच्छे है और कल 7 अक्टूबर 2021 माता की कृपा से आगमन अब सभी के घरों में। आज हिंदू सनातन मानने वाले सभी लोग अपने बड़े हर्षोल्लास के साथ माता रानी की तैयारियां चालू कर दी उनके पूजा पाठ के लिए। और वहीं पर माँ बहन और भाइयों जो है काफ़ी व्रत के साथ देखी जा सकती है। कुछ लोग जो है 1 हफ्ते तक व्रत रहेंगे, कुछ लोग जो है 10 दिन तक रहते हैं। यह हमारे देश की सनातन धर्म की परंपरा आप देख सकते हैं। अब चालू होगा 7 अक्टूबर 2021 से माता रानी आगमन कर रही हैं। आप उन सभी माता रानियों का स्वागत कीजिए, संस्कार कीजिए, अभिनंदन कीजिए और अभी से ही अपने अपने घरों में सभी लोग पूजा पाठ की जो है सामग्रियां लाना शुरू हो गया है। मंदिरों में साफ़ सफाई चालू हो गया है, घरों में साफ़ सफाई चालू हो गया। माता बहनें अब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इसे माता रानी को पूजते हैं और दुआएं भी मांगते हैं। तो एक रिपोर्ट आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।